हेलो। हेलो मैम, ओके एक मिनट बेटा, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? नो मैम, ओके then according to Georges Bernard shows people falls into a three categories. ठीक है, entrepreneurship के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनोस ने एक define किया है three categories, those who make things happen. ठीक है, इसने बोला है कि जो things को happen करता है वो entrepreneurship है, those who watch things happen, और जो देख रहा है इस चीजें होते हुए, those who are left to ask what did happen. ठीक है, जनरली entrepreneurs falls under the फर्स्ट कैटेगरीज। जो entrepreneurs है वो फर्स्ट कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें कि वो हर एक चीज को क्रिएट करके बना के लाते हैं। ठीक है, then about entrepreneurship, entrepreneurship is a dynamic process of vision, change and creation. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने विजन में, अपने माइंड में एक चीज को सेट कर रहे हो, गोल को सेट कर रहे हो, विजन बना रहे हो कि हमारा इस तरीके से इवेंट है या हमारा इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप आप खोलने का प्लान कर रहे हो। इट रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी एंड पैशन टूवर्ड्स द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप नए नए आइडियाज को यूज कर रहे हो, नए नए सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप अटक जा रहे हो या फिक्स हो जा रहे हो या जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन है, एनर्जी है, पैशन है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अपना क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे नए नए आइडियाज को। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर इज एन एग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। और ये इनकी वजह से क्या होता है, हर बार नया नया ट्रेंड आता है, हर बार नया नया बिजनेस में चेंजेस आते हैं, हर बार लोगों की जो नीड्स होती है वो बदलती जाती है। He or she is an independent thinker. ठीक है, आप लोग कौन हो, चाहे हो, शी हो, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट थिंकर है। आप लोगों में कुछ आइडिया आ रही है कि मैडम इस डेकोरेशन में या इस बार हम लोगों ने ये थीम रखेंगे, हम लोग वो थीम रखेंगे, तो इस तरीके से लोग आएंगे, अभी COVID-19 का सिचुएशन है तो इस ड्यूरेशन में हम कौन सी चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, अलग अलग इंडिपेंडेंट थिंक कर रहे हो। हु डेयर्स टू बी डिफरेंट इन अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमन इवेंट्स। तो क्या कर रहे हो, आप डेयर रख रहे हो, एक एक भरोसा रख रहे हो, एक रिस्क ले रहे हो कि हाँ अगर हम ये थीम रखेंगे COVID-19 के सिचुएशन में, कि आपको मैचिंग क्लॉथ से व्हेनेवर यू वेयर, कुछ भी आप वेयर कर रहे हो, कुछ भी आप पहन रहे हो, व्हाटएवर यू वेयर, आपको बस उसे मैचिंग मास्क पहनना है। ठीक है, तो आपने ये थीम रखा है कि आपको विद प्रॉपर मैचिंग कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग मास्क, मैचिंग एवरीथिंग, तो इससे क्या हो रहा है कि लोग वो चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैचिंग उनके पास मास्क नहीं होंगे तो वो मास्क बना रहे हैं, अगर आपका 3 दिन का या 4 दिन का वर्कशॉप है तो 4 दिन के लिए वो 4 नए मास्क बना रहे हैं, वो भी कंबाइन मतलब अपने क्लॉथ से मैच होते हुए, तो उसमें से आप कोई भी जो बेस्ट होगा, जो उसको आप कुछ प्राइज रख रहे हो या कुछ उनको
सरप्राइजिंग रख रहे हो उनके लिए, तो क्या हो रहा है, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हो पार्टिसिपेट करने में, और कुछ नया करने का डेयर, हिम्मत रख रहे हो, चैलेंज एक्सेप्ट करने की अपने कर रहे हो. बैकग्राउंड ऑफ कॉमन इवेंट्स देयर बाय क्रिएट देयर बाय कैटरिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. इससे क्या हो रहा है, आपका सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे कि लोग आपको समझ रहे हैं कि आप लोग हर बार नए नए कंसेप्ट लेकर आते हो, नए नए आइडियाज लेके आते हो, नए नए थीम्स लेकर आते हो. ठीक है, अभी आप क्लॉथ का नया कुछ और नया फैशन लेकर आए हो. ठीक है, पहले हमारे इधर पहले सिर्फ फ्रॉक्स और स्कर्ट ही चलते थे, देन अभी जीन्स आ गया है, देन शरारा पैटर्न आ गया है, देन घाघरा पैटर्न आ गया. तो क्या कर रहे हो, हर बार आप नए नए वेरिएशन ला रहे हो. आप ट्रेडिशनल में थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक देके आप लहेंगे, आप घाघरे ला रहे हो. ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, आपका ट्रेडिशनल लुक भी फुलफिल हो रहा है, बट उसमें उसमें थोड़ा सा आप इंडो वेस्टर्न भी लुक दे रहे हो. तो हर बार आप नया नया चीजों को उसमें ला रहे हो मार्केट में. द प्राइम फोकस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर इज टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एथिकल बेस. कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का पहला यही बिजनेस होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज को और जनरेट करे, वो इतना अच्छा अपने परफॉर्मेंस में दे कि आने वाले कल में भी उसको काफी सारा काम मिले, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिले उसे. ठीक है, एक इवेंट से कई कई सारे इवेंट उसको मिलने की वो होप रखता हो. ठीक है, जैसे अगर मैंने आप मार्केट में एक आपको 3G वाली कार स्कूटी बेची हूँ, तो 2 साल बाद मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को मेरे पास और आने के लिए मैं आप अब बता रही हूँ कि मेरे पास अब 5G वाली भी मोपेड्स अवेलेबल है. तो इससे क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं कि नया मॉडल देखने के लिए, नया चीजें देखने के लिए, कि नया प्रोडक्ट आया है, नया मार्केट में लॉन्च आया है, जिससे कि लोग और इंस्पायर हो रहे हैं उसको परचेस करने के लिए. एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज अ पोटेंशियल इश्यूज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय एनी कंट्री टू डेवलप इनोवेट एंटरप्रेन्योर्स हु कैन मेक अ मार्क इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन. ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स कई लोग बहुत सक्सेस कर लेते हैं, कई लोग नाम फेम बहुत कुछ कमा लेते हैं, कई लोगों का पहले ही स्टेज में कोई लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोगों का बहुत बड़ा लॉस होता है, किसी किसी को बहुत बड़ा अपना लॉस फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हो, आप कितने वेल प्रिपेयर्ड होके कोई चीज को कोई डिसीजन ले रहे हो कि हाँ हमको ये चीज करनी है, हमको ये चीज पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है करके. ठीक है, इतना समझ में आएगा इस पॉइंट, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, यस मैम. तो समझ में आया बेटा दीक्षा? हाँ मैम. Then this is a process. मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि entrepreneur is a person, entrepreneurship is a process and enterprise is object. मतलब आपको वहाँ benefit मिल रहा है. Entrepreneurs आप person हो, आपको एक idea आया, आपको एक चीज सोचा है कि मैं शायद shop, एक shop डालना है मुझे, या मुझे beautician का एक parlor open करना है, या मुझे कुछ नया कुछ market में कुछ अपना self अपना कुछ product को sell करना है, या मैं जो पेपर के पैकेट्स होते हैं वो पैकेट्स बना रहे हो आप वो सेल कर रहे हो, जो भी फूड की जो भी शॉप है, समोसे वाले की जो शॉप है, आप उनको जो पार्सल लेके जाते हैं, पार्सल में जो पैकेट्स यूज करते हैं, आप वो घर पे बैठ के वो पैकेट्स बना रहे हो, तो हर एक आप हजार हजार 2000 से पैकेट्स बना के आप हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. ठीक है, तो उससे भी आप क्या कर रहे हो, एक आइडिया ला रहे हो जहाँ से कि आप पैसा जनरेट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो. तो ये क्या हो गया, एक एंटरप्रेन्योरशिप. देन आपने सोचने के बाद प्रोसेस में ला लिया, आपने अपना काम प्रोसेस करने में ला लिया, प्रोसेस लगा लिया, आपने वेल इक्विपमेंट लगा लिया, रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, अपने स्किल सीख लिया, अपने नॉलेज ले लिया, किस तरीके से हमको पैकेट्स बनाना है, किस तरीके से कितना ग्लू हमको कहाँ का लगाना है. ठीक है, तो आप प्रोसेस में ला रहे हो. देन एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट, आपने अपना मटेरियल रेडी करके लोगों को सेल करना, आप यहाँ पे आपका मेन चीज होता है कि आप वहां से पैसे कमाना कमा रहे हो, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज द 3 प्रोसेस एंड 3 चेंजेस, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेस. द पहला एंटरप्रेन्योर देखेंगे, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है. गर्ल सुनाई आ रहा है? दीक्षा, शिल्पा,
यस मैम यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है, जहां जहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं वहां वहां आपको बता रही हूँ, ध्यान रखो। क्या पूछ सकता है? द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ब, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पता कर रहना चाहिए कि ये फ्रेंच का वर्ड है, एंटरप्रेन्योर मतलब विच मीन्स टू अंडरटेक, ठीक है? मतलब हम उसको चीज को सोच रहे हैं, उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ब्रिंग टूगेदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंबाइन्स देम इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है? एंटरप्रेन्योर हम उसको बोलते हैं कि जिसके माइंड में एक दिमाग नॉलेज आया कि मुझे एनवेलप्स बनाना है या कुछ समोसे की शॉप पे जो एनवेलप्स बनते हैं मैं उसका मार्केट खोल सकता हूँ। तो आप पूरे पेपर बैग्स पेपर के आपने पहले वहां से शुरुआत की, वो शुरू करते 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 आपका वो डेवलपमेंट हुआ, आपने फिर बड़े बड़े पेपर बैग्स बनाना शुरू किया क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक तो ब्लैंड है, प्लास्टिक को पेपर्स यूज नहीं करते, प्लास्टिक के बैग यूज नहीं करते। तो आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में पेपर बैग्स सप्लाई कर रहे हो सभी को, ठीक है? तो यहाँ पे आपने और अपने बिजनेस को और डेवलप कर लिया, आप छोटे छोटे बैग्स बना रहे हो, फिर बड़े बनाने लगे हो, फिर बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने लगे हो, बड़े बड़े मॉल्स के आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स से आपको पेपर बैग्स से ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, एक फैक्टर है जिसमें कि प्रोडक्शन एंड कंबाइन दैम इनटू अ प्रोडक्ट। क्या करता है, आप उन्हें रॉ मटेरियल लेके अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना के उसको प्रोडक्ट कर रहे हो, मार्केट में प्रोडक्ट बना रहे हो। अब पेपर बैग बनाने के लिए आपको मार्केट से पेपर तो परचेस खरीदने हैं, तो वो क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल हो गया, एक रॉ प्रोडक्शन खरीद के आप अपने लिए एक एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। ही ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस एंड यूनिट अज्यूमिंग द रिस्क फॉर प्रॉफिट, ठीक है? ये क्या करता है एंटरप्रेन्योर, इस सारे रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखता है, ठीक है? आप पेपर बैग यूज कर रहे हो तो आप कहीं भी कभी भी रेनी सीजन के टाइम में उसको बाहर लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो गीला हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप जीरो जो प्लास्टिक में जो 0% वाले जो पॉलिथीन होती है आप वो पॉलिथीन उसमें यूज कर रहे हो, कोई कोई पेपर्स में, कोई पेपर्स में आप अल्टरनेटिव यूज कर रहे हो कि जो वो बारिश के सीजन में भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके चीजों को, ठीक है? तो आप पूरे एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर पूरे रिस्क फैक्टर के भी ध्यान में रखता है, उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, किस तरीके से मार्केट में उसको स्ट्रैटेजी बनानी है, किस लोगों से कितने लोगों से उसको टाई अप करना है। अब वो समोसे वाले पैकेट बना रहे हैं तो उसको समोसे वाले लोगों से टाई अप करना है, उनके कॉन्टैक्ट में रहना है, उनको होटल से वो होटल वाले के कॉन्टैक्ट में रहना है, ठीक है? ये हो गया एंटरप्रेन्योर। देन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय ब्रिंगिंग टूगेदर अ यूनिक पैकेज ऑफ resources to explore an opportunity। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, रिसोर्सेज को जमा कर रहे हो और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो जिससे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, आपको मौका मिले कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी बैग्स आप बना रहे हो मार्केट में सेल कर सको। ये एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है? समझ में आया इतना? एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ब है जिसका एंटरप्रेन्योर बोला जाता है और इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, मींस क्या होता है, तो आपको टू अंडरटेक ये समझ में आना चाहिए। देन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को क्या क्या चीजें पता रहनी चाहिए। हार्ड वर्क, यस, आप कोई भी जॉब करो, कोई भी वर्क आप कर रहे हो, चाहे आप स्टडी भी कर रहे हो, तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, फॉर बेटर लाइफ, फॉर बेटर अचीवमेंट, आपको वर्क हार्ड करना जरूरी है। देन बिजनेस एक्सक्यूम एंड सिंसेरिटी, आपको बिजनेस के लेकर एकदम सिंसेरिटी चाहिए कि आज आधा काम कर लिया कल आधा काम करेंगे, ऐसा वाला नेचर बिल्कुल नहीं होना, आप एकदम सिंसेरिटी चाहिए। सिंसियरली आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सिंसियरली आप क्लास अटेंड करने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी सिंसियरली कर रहे हो, एक सिंसियरिटी होना चाहिए, ठीक है? प्रीड्यूएंस, जहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रेडेंस कर रहे हो, रेडी रख रहे हो, तैयार रख रहे हो। देन अचीवमेंट, मोटिवेशन, कहीं बीच बीच में आप मोटिवेशंस भी ले रहे हो, कोई टीचर से कोई मैडम से आपको कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स है, आप वो मोटिवेशंस वहां से ले रहे हो, तो आपको करियर के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, आप वहां से मोटिवेट कर रहे हो, करियर गाइडेंस में भी जो भी क्वेश्चन है, जो भी थॉट्स है आपके, वो क्लियर कर रहे हो, ठीक है? मोटिवेशन के लिए आप कुछ वीडियोज को भी यूज कर सकते हो, अगर जैसे किसी को अच्छा ब्यूटिशियनर्स बनना है तो कोई अच्छे अच्छे जो ब्यूटी जो है शहनाज के, आप उनके यूट्यूब पे वीडियोज देख सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हो,
ठीक है, अगर किसी को मेहंदी के बारे में सीखना है तो यूट्यूब पे आपको मेहंदी के बारे में मिल जाएगा, मेहंदी की स्टेप्स मिल जाएंगी। आपको किसी बिजनेस पर्सन की स्टोरी जानना है, उनकी स्टोरी पढ़ना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। आजकल सब चीजें आपको आपके हाथ में मिल जाएंगी गर्ल्स, बस आपको क्या करना है, एक बार वो थॉट लाना है अपने दिमाग में कि आप कुछ कर सकते हो, और जब आपने सोच लिया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, देन वहां से शुरुआत होती है कि आप क्या कर सकते हो, देन वो क्या कर सकते हैं, वो थॉट शुरू हो गया। उसके बाद अब बहुत सारे आपने सब निकाल लिया ऑप्शन कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं पार्लर का कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं ब्यूटिशियन बन सकती हूँ, मैं इवेंट चला सकती हूँ। आपने ये सारे ऑप्शन निकाले, उसमें से कोई एक बेटर ऑप्शन को या दो ऑप्शन को आप साथ में लेके चल रहे हो कि आप स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हो, या पार्ट टाइम कुछ और चीजें भी कर रहे हो, या वन टाइम पे दो जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आप कॉलेज के टाइम में या कॉलेज के बाद के टाइम में आप डांसर हो तो आप कोरियोग्राफ कर रहे हो, ऑर्डर्स ले रहे हो, संडे टू संडे आप जाके किसी को कोरियोग्राफ कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा आपने फिक्स कर लिया वहां पे, बस आप तो मैक्सिमम 2 या 3 घंटे ही जाने वाले हैं, ज्यादा आपका वो लॉन्ग पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक पूरा टाइम तो जाने वाला नहीं है, ठीक है। इफ यू आर इन अ लर्निंग फेज तो आपका 2 या 3 घंटा ही आपको उनको वहां देना है, अगर आप डांसर हो या डांस सीख रहे हो। तो यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बावजूद आपको कई सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी खुद ही को ढूंढने हैं आपको। आपको जब लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको ये भी ढूंढना है कि आप कौन से फील्ड में अच्छा कर सकते हो। आपको फील्ड ढूंढने के बाद वो फील्ड का पूरा नॉलेज लेना है, ठीक है। इसमें जिसको जो चीज में इंटरेस्ट है ना गर्ल, वो चीज से जुड़ा ही रहता है। किसी को टीचिंग से इंटरेस्ट है तो वो टीचिंग से जुड़ा रहता है, किसी को प्रोफेशनल पढ़ाई से इंटरेस्ट है तो वो पढ़ते ही रहता है, किसी को ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है तो वो ब्यूटिशियन में जुड़ा ही रहता है, प्रोडक्ट्स के बारे में या कोई इसके बारे में वो पता करते ही रहता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजों से जुड़े होंगे, अपने कोई ना कोई हॉबीज होंगी, किसी को म्यूजिक प्ले करने की हॉबीज होंगी, किसी को सिंगिंग की हॉबी होंगी। तो हर एक को कोई ना कोई हॉबी होती ही है, बिना कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको कोई भी हॉबीज नहीं होगी, ठीक है। देन सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस, आपको सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंटनेस होना चाहिए। आपने अगर कोई बिजनेस का प्लान आउट किया है तो इस तरीके से प्लान नहीं करना है कि घर वाले मुझे पैसा देंगे तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मेरा दोस्त पैसा लगाएगा तो मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वेल इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिवली अपना काम स्टार्ट करना है, आपको खुद को रिसोर्सेज जनरेट करनी है, आपको खुद को अपनी तरफ से पैसा लगाना है, एफर्ट लगाना है, क्योंकि वो ऐसा होता है कोई और पैसा लगाता है ना तो हमको भी उतनी वैल्यू नहीं देती उस चीज की। जब हमारा खुद का पैसा जब वहां लगता है कोई भी चीज में या कोई भी काम में, तो हम वहां पे पूरा अपना काम अपना फोकस देते हैं, ठीक है। देन हाईली ऑप्टिमिस्टिक, जहाँ पे कि आप एकदम अवेयर हो और एकदम चीजों को एकदम सतर्कली होकर चीजों को देख रहे हो, कुछ भी हो रहा है फटाक से वो चीज को शॉर्ट आउट कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका टाइम कम पड़ रहा है, आपको दिन भर में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप स्किप कर रहे हो चीजों को, कुछ चीजों को आप जो जरूरी है वो चीज को पहले ग्रैप कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज में आप स्पीड अप ला रहे हो, फटाफट आप काम कर रहे हो। देन कीन फॉर साइट्स, आप हर एक साइट से हर एक चीजों को अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपको पता है अगर आपको ब्यूटिशियन बनना है तो आपको अभी नाउ डेज जो ट्रेंड में चल रहा है, आजकल लोग सारी चीजें हाथों से या पेडिकोर के लिए हाथों से यूज नहीं करते, एक पर्टिकुलर मशीन आ गई है जो लोग मशीन से ज्यादातर यूज करते हैं, तो आपको वो एबिलिटी चाहिए कि वो मशीन को कैसे यूज करते हैं, वो मशीन में किस तरीके से कौन से बटन से क्या होता है, कितना प्रेशर आता है, कितना प्रेशर नहीं आता है, फेशियल के लिए भी लोग आजकल मशीन यूज करते हैं, तो आप में वो एबिलिटीज भी होना चाहिए जो अभी नए नए ट्रेंड में अभी जो चीजें आ रही है। अभी पहले के जो टीचर्स होते थे वो लोग सिर्फ बुक से आपको पढ़ाते थे, बट आज के जनरेशन में कैसा आ गया आज के टाइम में कि अभी के जो टीचर्स है वो पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, वो वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि आज के जो टीचर्स है उनको बुक्स के साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना है, जो करंट इवेंट चल रहा है उसका भी नॉलेज रखना है, तो आपको अपने आप को जो करंट कंडीशन है उससे भी जोड़ के रखना है, ठीक है। देन इनोवेटिवनेस, आपको इनोवेटिवनेस होना चाहिए, ठीक है। इनोवेटिवनेस जैसे कि आपने सोचा कि मैं पेपर बैग्स बना रही हूँ, तो आपको हर एक बार पेपर बैग्स में कुछ इनोवेटिव लाना है, कभी आप बड़े बड़े फ्लावर्स वहां लगा रहे हो, कभी आप वहां पे रेशम के दोरी वहां लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बैग को बैग का लुक देते हुए आप उसको कुछ नया लुक भी दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप इनोवेटिव कर रहे हो, कुछ इन्वेंट कर रहे हो वहां पे,
देन रिस्क टेकिंग, आपने हर एक बार एक रिस्क टेकिंग का बिहेवियर होना चाहिए. अगर आपको कोई टास्क दे रहा है, अगर आपको क्लास में कॉलेज में आपको कोई टास्क मिल रहा है, तो आपने वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप वो टास्क कंप्लीट कर सकते हो. देन स्कैर्सिटी मेंटेनेंस, आपको हर एक रिसोर्सेस को मेंटेनेंस करने की कैपेबिलिटी चाहिए. देन मेंटेन पब्लिक रिलेशंस, यस, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपका और पब्लिक के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तभी नेक्स्ट टाइम पर्सन आपके पास फिर से आएंगे. अगर आपने आपने उनको वेल सर्विस प्रोवाइड किया, सारी चीजें प्रोवाइड किए, बट फूड प्रोवाइड किया सब चीज, बट आपने उनके पास एक एक बार भी स्माइलिंग फेस के साथ उनको देखा नहीं, स्माइल फेस के साथ उनको उनको आपने छोड़ के नहीं आया उनको, ठीक है, तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम वो उन चीजों का ध्यान रखेंगे कि फूड तो अच्छा है बट यहाँ की सर्विस भी ठीक ठाक है, बट जो पर्सन है वो तो कभी मतलब उनका नेचर ही फ्रेंडली नहीं है. तो क्या होता है, यहाँ पे लोग जस्टिफाई करने लगते हैं कि दूसरा वाला जो था, दूसरा वाला हम जहाँ गए थे वहां पे तो वो अंकल ने हमको ऐसा सा दिया, काफी सारे बातें हुई, तो एक मेमोरीज भी बनती है लोगों के साथ में, एक पहचान बनती है, तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी होना जरूरी है. कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप अपने पॉइंट को अच्छे से स्पेसिफिकली डिफाइन कर सको, आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियरली आप क्वेश्चन कर सको, पूछ सको, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप में होना बहुत जरूरी है. तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स जिसमें कि आप भले ही एंटरप्रेन्योर्स हो या नहीं हो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल लाइफ के लिए, नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए. हार्डवर्क, business acumen and security, prudence, achievement, motivations, self-reliance and independence, highly optimistic, keen foresight, planning and organizing ability, innovativeness, risk-taking, security, maintenance, maintaining public relations and communication skills. These all are the points. Itna samajh mein aaya beta, aage badhe. Girls. हाँ मैम. Yes मैम. एक मिनट, स्लाइड चेंज क्यों हो रही है? तो गर्ल्स, आप लोग भी अपने अपने क्वालिटीज को पहचानो, कौन से फील्ड में आप अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो, कौन से फील्ड में आपका वेल नॉलेज है, जहाँ पे जरूरत है और नॉलेज लेने की वहाँ नॉलेज लो, ठीक है. किसी का कुछ प्लान है बेटा आगे फ्यूचर में, किसी चीज में जाना है, किसी को कुछ करना है, बताओ. बस मैम, ग्रेजुएशन हमारा मास्टर्स हो गई, हमारा बीए बैचलर होते ही हमको तो बस शादी करनी है, बताओ बेटा. हेलो, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? मैम बहुत कम आ रही है. मैंने कहा अगर आप आपको फ्यूचर में क्या करना है वो पूछ रही हूँ मैं आपको. ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और मतलब दूसरे कोई करने में. किसी में किसी की कोई हॉबीज है आप लोगों की क्लास में? हाँ मैम. ओके, आप लोग मुझे अपनी अपनी हॉबीज बताओ बेटा. आरती, आपकी क्या हॉबीज है? आरती मिश्रा. हाँ मैम. आपकी हॉबीज क्या है बेटा? आप सभी की हॉबीज देखते हैं कि सभी अपनी हॉबीज से क्या कुछ कर सकते हैं क्या बिजनेस, ठीक है. पहले आप अपनी हॉबीज बताओ आरती. हाँ
सोचना पड़ रहा है आरती। ओके अर्पिता आप बताओ। अर्पिता कुकिंग कुकिंग और बेस्ट ऑफ आउट ऑफ वेस्ट। बेटा क्या बोले? मतलब ऐसे घर में कुछ डिजाइन करना, इंटीरियर डिजाइनिंग आपका शौक है, मतलब घर का डिजाइन, मतलब घर का स्ट्रक्चर डिजाइन करना अच्छा लगता है कि क्लीनिंग करना? नहीं नहीं मैम, ऐसे भी कुछ भी, मतलब फ्लावर पॉट। ओके, मतलब डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाते हो? हाँ, और मेहंदी। तो आपने कहीं ट्रेनिंग वेनिंग ली है क्या बेटा इसकी? नो मैम, ऐसे घर में ट्राई करती हूँ। ओके, सेल्फ एंड कुकिंग के लिए आप कुछ देखते हो वीडियोस या किसी को फॉलो करते हो? यूट्यूब पे। ओके, तो अर्पिता का दो हॉबीज है, एक वो कुकिंग में इंटरेस्टेड है और दूसरा एक घर के डेकोरेशन में या डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर्स को अगर आगे जाके कुछ करियर बनाना है या करियर नहीं भी बनता है या कुछ बाद में भी अगर वो हाउसवाइफ होके भी अगर कुछ करना चाहती है, छोटे मोटे जरिए से कमाना चाहती है, तो शी हैव टू ऑप्शंस। एक वो कुकिंग के बेस पर नए नए कुकिंग का ऑर्डर्स ले सकती है। आपको पता है रेस्टोरेंट वाले जो लोग होते हैं वो लोग जिनके पास किचन होता है वो लोग वहाँ बनाते हैं, बट जिनके पास किचन नहीं होते हैं वो दूसरे लोगों को ऑर्डर्स देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो मोमोज के ऑर्डर्स लेती है, वो घर से मोमोज प्रिपेयर करती है। नंबर ऑफ मोमोज उसको 500 पर डे उसको मोमोज बनाने पड़ते हैं, तो रोज 500 मोमोज बना के वो सेल करती है शॉप वाले को, तो शॉप वाला फिर उसको आगे में जो भी उसके क्लाइंट्स है, जो भी उसके कस्टमर्स है वो उनको सेल करता है। तो उसको पूरा रॉ मटेरियल का और वो सब निकाल के उसको प्रॉफिट बहुत सारा मिलता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटीरियर में इंटरेस्ट है तो आप नए नए टेक्निक्स जो आते हैं टेराकोटा का, सिरामिक के आर्टिकल्स, ठीक है, ये सारे जो पेंटिंग है, स्कल्पचर पेंटिंग्स है, ये सब नॉलेज भी आप ले सकते हो। जो ऐसी क्रिएटिविटी में ऐसा है गर्ल्स, आप कितना भी गेन करो तो कम है, क्योंकि क्रिएटिविटी डे बाय डे बहुत इंक्रीज होती जा रही है, बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं क्रिएटिविटी में। ओके दीक्षा आप अपना बताओ। ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करनी है मैम। जॉब करनी है, और आपकी पर्सनल हॉबी? मैम बुक्स रीडिंग। बुक्स रीडिंग, ओके इट्स गुड। बुक रीडिंग करने से आपको कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जो कि आपको जो भी आपको ऑफिस वर्क करना है या जो भी आपको काम जॉब करना है उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप वैसे की बुक्स पढ़ो बेटा जो आपको जॉब के लिए तैयार कर सके। ठीक है, यस मैम। शीतल आप बताओ, आपकी हॉबीज क्या है? शीतल शुभांगी आप बताओ। हेलो हेलो शुभांगी आप बताओ। स्वाति आप बताओ बेटा। मैम मेरा ऐसे कोई ये तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ घर में कोई हॉबी। बेटा हॉबी क्या बोल रही हूँ मैं, आपको बिजनेस नहीं पूछ रही मैं, आपकी हॉबी क्या है? मैम पुरानी साड़ियों से वो पायदान बनाना। अच्छा, मतलब आपको गारमेंट्स में एक तरीके का जो है कि आप उसमें से कुछ चीज बना सकते हो आर्टिकल्स। ओके okay, और कुछ बेटा? हॉबीज मतलब पढ़ाई से हटके आप और कुछ चीजें जिसमें आपको इंटरेस्ट है? मैम फुटबॉल। फुटबॉल आप खेलते हो? हाँ मैम। यू आर अ प्लेयर? खेलती थी मैम अभी, लेकिन ये 12वीं से छोड़ दिया। क्यों बेटा? मैम हमारे ये थे प्रागतिक में थी ना, तब हमारी टीम रहती थी। अच्छा, तो आप जहाँ पर आप अभी जो लोकेशन में रहते हो, जो एरिया में रहते हो, वहाँ कोई ग्राउंड होगा तो उसको ज्वाइन करो ना। जब आपका स्किल है बेटा तो छोड़ो मत उस चीज को।
विद्या मंदिर में मैम। तो यहाँ है नहीं क्या अभी आपके लिए कोई जॉब? यहाँ पे कोई ग्राउंड ऑन नहीं है? नहीं हमारे यहाँ नहीं है। तो कोशिश करो बेटा आप अपने एरिया से थोड़ा बाहर निकलो, लेकिन करो अपने पैशन को फॉलो करो। फुटबॉल प्लेयर गर्ल्स लड़कियां जो खेलती है ना बहुत वैल्यू रहती है उस चीज की, क्योंकि बहुत कम लड़कियां खेलती है फुटबॉल। अगर आप अच्छा खेलते हो, आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो उसको वापस ज्वाइन करो, पता लगाओ। थोड़ा आपने आपके एरिया से अगर दूर होगा तो थोड़ा ट्रैवल करो, लेकिन पैशन को फॉलो करो अपने। ठीक है स्वाति? यस मैम। ये पायदान वायदान बनाना तो वो तो आप घर पे भी ऐसे ही कर सकते हो, बट जो इससे जो आपको पहचान मिलेंगी ना वो बहुत अलग पहचान होती है और रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है, क्योंकि लड़कियों का स्पोर्ट्स में होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ओके आरती, आपने अभी तक बताया नहीं बेटा। हाँ मैम बताती हूं। और शुभांगी ने नहीं बताया है। हेलो मैम। हाँ बताओ। ड्राइंग निकालना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं है, मैं हॉबी पूछ रही हूँ आपकी। हॉबी ड्राइंग? सिर्फ आप ऐसी कुछ बनाते हो कि बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो? शुभांगी आप बताओ। शुभांगी आपकी वॉइस ही नहीं आ रही बेटा। हेलो 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 स्वाति, मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो अपना फुटबॉल का जो है आपका स्किल वो आप ज्वाइन करो वापस। Yes, ma'am. पता लगा बेटा, अपने चीजों को छोड़ो मत। जब अच्छा खेलते हो तो आप उसको कंटिन्यू करो, होगा कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा। मैंने बोला ना बेटा, बस एक बार थॉट आने की जरूरत है आपके माइंड में। एक बार थॉट आ गया कि आप कुछ कर सकते हो तो वही से शुरुआत हो जाती है आपके सक्सेस की। आपने वो थॉट को क्लियर कर लिया, पहला क्वेश्चन को आपने पार कर लिया, पहला क्वेश्चन आया कि आप कुछ कर सकते हो, तभी आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, किसमें आप सक्सेस पा सकते हो, किसमें आप अच्छा आप अपना बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो पता लगाओ बेटा आप कौन से लोकेशन में रहते हो, आप कौन से एरिया में रहते हो? मैम गुमथला। गुमथला कहाँ था ये? दोनारा साइड मैम, दोनारा बुकारा। सोनारा बुकारा, ओके। बाकी तुम्हारे जो टीम की लड़कियां उनसे पता करो ना बेटा, कांटेक्ट में होंगे तो उनसे पूछो कि वो लोग कहाँ है, किस जगह है। कि उनसे कांटेक्ट भी तोड़ दिया आपने, फुटबॉल खेलना भी छोड़ दिया और कांटेक्ट भी छोड़ दिया? नहीं मैम। जो टीचर से आपने, जो मैडम से आप लोग ने सीखे है उनके कांटेक्ट में रहो, उनसे नॉलेज लेते रहो? मैम अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद है। अभी हो ही जाएगा बेटा सब ठीक। ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करते रहो, स्किल को अपना छोड़ो मत। जितना आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छा करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़कियों को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्कोप रहता है स्पोर्ट्स में। बहुत जल्दी वो लोग नेशनल तक पहुंच जाते हैं अगर उनका गेम बहुत अच्छा रहा है तो। ठीक है, मुझे शुभांगी की कुछ आवाज नहीं आ रही है, उसका नहीं समझ में आया। बाकी सब ने अपना रिप्लाई दिया। आरती आप भी परफेक्ट नहीं हो बेटा अपने हॉबीज के लिए, पता मैम आपका माइक म्यूट हो गया।
अभी नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई पूछ रहा है बेटा आपकी हॉबीज के बारे में, तो आप इतने परफेक्टली आंसर दो कि आपको खुद को पता है कि मुझे क्या पसंद है करना, इतना डर के, इतना सोच के। क्योंकि स्वाति ने भी पहले इसमें नहीं बताया, पहले इसमें वही बताया मुझे पायदान बनाना अच्छा लगता है। अरे उसके अलावा तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, अपनी क्वालिटीज को पहचानो। ठीक है, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको पूछ रही हूँ कि गर्ल्स अपनी क्वालिटीज बताओ मुझे क्या है, अब मैं यहाँ पे क्वालिटीज पूछ रही हूँ ना, आपकी हॉबीज नहीं पूछ रही। क्वालिटीज मतलब आप किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो बहुत अच्छे से बात करते हो, तो वो भी एक क्वालिटी है बेटा। हर कोई इतने अच्छे से बात नहीं कर सकता है, हर एक के अंदर भी इतना पेशेंस नहीं होता है, तो वो भी एक क्वालिटी है आपके अंदर में। आप बच्चों के साथ में अच्छे से बिहेव करते हो, छोटे बच्चों को आप हर एक चीज सिखा रहे हो, तो वो भी एक क्वालिटी है। हर एक पर्सन नहीं कर सकता है, हर एक को बच्चे पसंद नहीं होते हैं, हर एक को बच्चे के साथ टाइम ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं होता है। 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड कर लेते, उसके बाद उनको बच्चों के साथ में बोर होता है। ठीक है, आप अपने सिस्टर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में आपका रिलेशन अच्छा है, वो भी एक क्वालिटी अच्छी है आपने। आप पढ़ाई में अच्छे हो, वो एक क्वालिटी है आपने। ये आपकी क्वालिटीज है। अब आप खुद पता करोगे आपकी क्वालिटीज क्या है, ये आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वालिटी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, तो हम क्वालिटी ऑफ अवर आपके आपकी खुद की क्वालिटीज देखेंगे अभी हम लोग, क्या क्या है। आप हार्ड वर्कर हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, रिस्क टेकर हो, रिस्क लेते हो लाइफ में या नहीं लेते हो। ठीक है, यस मैम, थैंक चलो गर्ल्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यू मैम।